नमस्कार, सार्थक विमर्श में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में कुल 11 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 23 अप्रैल को यहाँ पर लास्ट वोटिंग थी। अब वक्त है काउंटिंग का, 23 मई को काउंटिंग होगी। अभी 4 चरण बाकी है, इनमें से चौथा चरण जो है वो सोमवार को होगा। इसके बाद 6 मई, 12 मई और 19 मई को अंतिम चरण होगा। इन चरणों के बाद 23 मई को काउंटिंग होगी, तब नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन नतीजे बहुत वक्त हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जहां पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा ट्रेमेंडस क्लीन स्वीप किया था अपने विधानसभा चुनावों में दिसंबर में, ऐसे में ये ज़्यादा अपेक्षा है यहाँ से कांग्रेस की भी, और बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने किस राज्य को फिर से रिकवर करना। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरी लगी रही, और चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो अलग बात है। फिलहाल में हम बात करेंगे कि कहां क्या स्थिति हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं सरगुजा लोकसभा सीट से। सरगुजा लोकसभा सीट में 2 बड़े प्रत्याशी खेलसाय सिंह और रेणुका सिंह दोनों के सामने सीधा मुकाबला है, और इस मुकाबले में यहाँ पर जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो है टी एस सिंहदेव की। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री सक्रिय रहे हैं भूपेश बघेल, लेकिन टी एस सिंहदेव ने यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाया है। यहाँ की सारी लोकसभा सीटें कांग्रेस के हाथ, विधानसभा सीटें जो हैं कांग्रेस के हाथ में हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास जो लोगों की राय के रूप में जो हमारे सामने है वो जो है कांग्रेस के लिए यहाँ सरगुजा से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, जबकि सरगुजा से भाजपा के लिए अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। मैं आपको बहुत ब्रीफ टू द पॉइंट बात करते जाऊंगा, बहुत डिटेल नहीं होगी, ये बहुत सीधी सीधी बात होगी। हम बात करते हैं सीट नंबर 2, ये भी रिजर्व सीट है, रायगढ़। रायगढ़ में जो है गोमती साहब भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो लालजीत राठिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लालजीत राठिया का वर्चस्व अपने धर्म जयगढ़ वाले इलाके में है, तो गोमती साहब का वर्चस्व जशपुर वाले इलाके में। यहाँ पर यह ट्रेंड रहा है कि जशपुर तरफ से आने वाला व्यक्ति जो कैंडिडेट होता है वो अक्सर जीतता रहा है। इस बार भी जो है, चूंकि अभी रायगढ़ पूरी लोकसभा को अगर हम मापन करें तो यहाँ पर एक भी सीट जो है भाजपा की नहीं है विधानसभा में। 8 सीटें आती हैं, इनमें सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास है। इस तरह से कांग्रेस यहाँ स्ट्रांग है। लेकिन जो ट्रेंड्स आए हैं, जो 23 अप्रैल की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल्स हैं, जो लोगों की राय आई है वोट डाल कर निकले हुए लोगों से हमने जब बात की, तो उसमें जो निकल के सामने आ रहा है वो यहाँ से रायगढ़ से भाजपा के लिए खुशखबरी है और कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खराब खबर है। अब चलते हैं हम सीट नंबर 3 पर, जो है जांजगीर चांपा। ये SC के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से 2 प्रत्याशी जो भाजपा की तरफ से हैं वो गुहाराम अजगले हैं, और कांग्रेस की तरफ से रविशेखर भारद्वाज हैं। रविशेखर भारद्वाज पूर्व विधायक पारसनाथ भारद्वाज के बेटे हैं, जबकि गुहाराम अजगले सारंगढ़ जब ये सीट लिया करती थी, रिजर्व सीट जो छत्तीसगढ़ की थी 2009 से पहले, उसमें लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो गुहाराम अजगले एक वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और रविशेखर पर थोड़े से भारी पड़ रहे हैं। लेकिन रविशेखर का अपना एक वर्चस्व है, अपनी एक वहाँ पर उनकी शैली है, और कांग्रेस का वहाँ पर अच्छा है। लेकिन दाऊराम रत्नाकर बसपा की तरफ से तीसरी शक्ति के रूप में एक बड़ा खेल कर रहे हैं, और ये जो खेल है इसकी वजह से दाऊराम रत्नाकर जितनी ज़्यादा वोट लेके आएंगे उतना फायदा भाजपा को वहाँ पर होता दिख रहा है। ये जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें 2-2 सीटें बटी हुई हैं, 2 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है, 2 DSP के पास है। कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं। इस तरह से हम देखें तो लोकसभा क्षेत्र में चूंकि कसडोल भी इसमें आता है, बिलाईगढ़ भी आता है, बिलाईगढ़ जो है वो और कसडोल दोनों ही जो है वो सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में यहाँ के जो नतीजे हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जांजगीर से भी भाजपा के लिए खुशखबरी है और कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है। जांजगीर के बाद हम चलते हैं अब इस क्षेत्र की सीट नंबर 4 को मान ले हम, वो है कोरबा। कोरबा में जो परंपरागत तौर पर ये जो सीट है, इस सीट को बने हुए अभी 2009 में ये आई थी अस्तित्व में, इससे पहले ये सीट नहीं थी। तो 2009 में जो है इस सीट पर कांग्रेस ने अपना वर्चस्व कायम किया था, 2014 में भाजपा ने, यानी 2 चुनाव अभी तक इसमें हुए हैं, एक भाजपा एक कांग्रेस रही है। इसमें 8 सीटें विधानसभा की आती हैं, 8 सीट में से भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट है रामपुर, जबकि कांग्रेस के पास 8 में से 6 सीटें हैं, और 1 सीट जो है जो भी कांग्रेस के पास इस लोकसभा के अंदर। यहाँ पर जो मुख्य प्रत्याशी हैं वो जो कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं चरणदास मैन, जो मौजूदा विधानसभा में स्पीकर हैं, उनकी पत्नी
ज्योत्सना महंत है कांग्रेस की तरफ से, जबकि भाजपा की तरफ से यहाँ पर एक बहुत अजनबी से चेहरे हैं ज्योतिनंद दुबे। ज्योतिनंद दुबे कठुआ इलाके से आते हैं और इनका नाम बहुत चौंकाने वाला था जो भाजपा से यहाँ पर उम्मीदवार है। कोरबा की जो सीट है, कोरबा में पाली से कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन रामपुर से भाजपा अच्छा कर रही है। कोरबा शहर में भाजपा अच्छी हो सकती है, कटघोरा में कांग्रेस अच्छी हो सकती है। इस तरह से अगर देखें तो मरवाही से बड़ी कांग्रेस को अपेक्षा थी, लेकिन मरवाही में कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई है। मनेन्द्रगढ़ बैकुंठपुर भाजपा की तरफ झुके हुए दिख रहे हैं, जबकि भरतपुर सोनहट कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। अगर इस तरह से देखें तो कोरबा की सीट बहुत फंसी हुई है, क्रूशियल है। यहाँ से किसी के लिए भी कोई भी खुशखबरी आ सकती है और किसी के लिए भी कोई खराब खबर हो सकती है। बहरहाल आज की तारीख में अगर हमारा जो एग्जिट पोल है 23 तारीख को जो हम लोगों ने बात की, तो उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोरबा में वो ये संभावना अधिक है कि यहाँ से खुशखबरी कांग्रेस को मिले, लेकिन ये फंसी हुई सीट के रूप में हम इसको ले रहे हैं। दूसरी सीट, अगली सीट है बिलासपुर लोकसभा। बिलासपुर लोकसभा में 8 सीटें आती हैं। बिलासपुर इकलौती ऐसी लोकसभा है छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है विधानसभा में। ऐसे में यहां 4 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि बची हुई बाकी 4 सीटों में से 2 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। इस तरह से देखें तो बिलासपुर में शहर में बड़ा गड्ढा है और साथ ही साथ दूसरा बड़ा गड्ढा मुंगेली में है। लोरमी में थोड़ा कांग्रेस प्लस है, बिल्हा में थोड़ी प्लस बीजेपी प्लस है, पथरिया तरफ कांग्रेस प्लस है। इस तरफ से और चलते हैं तो तखतपुर में बीजेपी प्लस है, मस्तूरी में थोड़ी कांग्रेस थोड़ी बीजेपी प्लस है, कुछ इलाकों में बेलतरा में कांग्रेस प्लस है। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो बिलासपुर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अटल श्रीवास्तव है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के खास खास हैं और अरुण साव हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अगर हम इन दोनों उम्मीदवारों को देखें, दोनों ही नए चेहरे भाजपा ने उतारे थे और ये जो सीट है इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो सीट है थोड़ी सी यहाँ से खुशखबरी जो आ सकती है वो भाजपा को खुशखबरी यहाँ से मिल सकती है। अगली सीट है जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण सीट है, 5 सीटों का हमने आपको बताया। 5 सीटों में से 4 सीटें सीधी सीधी बीजेपी के लिए जाती दिख रही है, 1 सीट फंसी हुई है और जो 1 सीट फंसी है वहां पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ सकती है। अब चलते हैं हम सीधे महासमुंद। तो महासमुंद से धनेंद्र साहू हैं और भाजपा से भी साहू उम्मीदवार हैं। इस तरह से देखें तो वहां के जो नतीजे आ रहे हैं या वहां के जो लोग बता रहे हैं या वहां से जो एग्जिट पोल हमारा कह रहा है या लोगों की राय वहां से जो निकल के आ रही है उसमें ये बताया जाता है कि वहां खुशखबरी भाजपा को मिल सकती है। अगली जो सीट है वहां से नीचे चलते हैं हम तो रायपुर। रायपुर एक ऐसी सीट है जो अर्बन सीट है, यहां से भी बहुत क्रूशियल मुकाबला है, लेकिन यहां भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों की इससे बातचीत के आधार पर जो हमारे पास कलेक्शन है, जो हमारे पास लोगों का आधार है, बातचीत का आधार है, स्याही लगी उंगलियों के ओपिनियन जो हमारे पास है उसके हिसाब से यहाँ रायपुर से भाजपा के लिए फिर एक बार खुशखबरी आ सकती है। चलते हैं हम सीट नंबर, अभी हमने 7 सीटों के बारे में आपको बताया, हम चलते हैं सीट नंबर 8 छत्तीसगढ़ की, दुर्ग। दुर्ग में जो है अभी कांग्रेस है, वहां ताम्रध्वज साहू सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा में चले गए हैं, मंत्री हैं। तो ये जो सीट है फिलहाल में इकलौती सीट कांग्रेस की है 2014 के लोकसभा के हिसाब से। इस बार यहाँ विजय बघेल और जो है चंद्राकर, जो पूनम जो चंद्राकर है, प्रतिमा चंद्राकर, वो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो विजय बघेल है वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ से जो खबर आ सकती है दुर्ग से वो भाजपा के लिए खुशखबरी हो सकती है। सीट 8 सीटों इस तरह से हमने 7 सीटों 8 सीटों का इस तरह से हमने विश्लेषण किया। अब बची हैं 3 सीटें, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर। तो हम चलते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव से जो उम्मीदवार हैं साहू उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से और संतोष पांडे जो हैं भाजपा की तरफ उम्मीदवार हैं। डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पे लगी हुई है, लेकिन राजनांदगांव में जो खुशखबरी आ रही है वो कांग्रेस के लिए आती दिख रही है, हालांकि सीट बहुत क्रूशियली फंसी हुई है। हम चलते हैं कांकेर में। तो कांकेर में जो खुशखबरी है अभी यहाँ की सीट भी फंसी हुई बताई जा रही है वीरेश ठाकुर और भाजपा के उम्मीदवार के बीच में, लेकिन थोड़ी सी ये जो सीट है वो कांग्रेस की के लिए खुशखबरी दे सकती है। वहीं बस्तर जो सीट है, बस्तर में बेदुराम कश्यप और दीपक बैज के बीच में कड़ा मुकाबला है और बस्तर का जो लोग है, बस्तर का जो लोक है, बस्तर की जो जनजातियां हैं उनका पूरा अगर हम ओपिनियन को देखें या उस दिन जो वोटिंग के दिन का ट्रेंड देखें तो बस्तर जो सीट है करीब 20-24 साल बाद कांग्रेस के लिए खुशखबरी दे सकती है। लेकिन इस तरह से देखें हम तो अभी फिलहाल में हमारे पास जो है 8 सीटों पर बहुत स्पष्ट रुझान है
जिनमें 7 सीटें जो है सीटों से जो है बीजेपी के लिए खुशखबरी है और 1 सीट से कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। अगर बाकी बची हुई 3 सीटों को हम अटका हुआ मान लें तो वो तीनों की 3 सीटें थोड़ी सी जो है कांग्रेस के लिए खुशखबरी का कारण बन सकती है, लेकिन अगर उनमें से एक भी खिसकती है तो बीजेपी का आंकड़ा 7 से बढ़कर 8 हो सकता है छत्तीसगढ़ में। बहरहाल 7 और 4 का आंकड़ा रहने की बहुत अधिक संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चूंकि विधानसभा में हमने किया था और विधानसभा में जो है सारे नतीजे वैसे ही आए हैं जैसे कि कैलकुलेट किए गए थे उस तरह से, तो एक बार इसको जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ठीक लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।